बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की चर्चा प्रारंभ होत है सुनो चित दे भजो श्यामा श्री प्राणना सखी जीवन हमाराय सखी जीवन हमाराय श्री महामती कहे ए मीनो भया चर्चा अब तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडलेशन दसाथ जी तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ लालदास जी महाराज के धाम का रहे कल के प्रश्न में हमने उदयपुर एवं मंदसौर के घटनाक्रमों को देखा उदयपुर में राशि राणा को जगाने के लिए हमारे सुंदर साथ और श्री जी ने कितने प्रयास किए उसके बाद मंदसौर उदयपुर और मंदसौर दोनों शहरों को कैसे औरंगजेब बादशाह के सैन्य ने घेर लिया और वो कष्टों से धामधनी ने मूल स्वरूप को प्रार्थना की यहाँ से आवेश स्वरूप ने इंद्रावती ने तो मूल स्वरूप ने ये प्रार्थना को सुना और विरह के प्रकरण उतरे और उस प्रकरणों से जो सुंदर सात पर आए हुए कष्ट दूर हुए ये घटनाक्रमों को देखते हम अंतिम मंदसौर की बीतक में हमने देखा कि वहाँ से ही भावसी हड़ा को कैसे जगाने के लिए मुकुंदासी को औरंगाबाद भेजते हैं सिर्फ मुकुंदास ही वहाँ पहुँचते हैं हम आज औरंगाबाद में पहुँचेंगे तो आज अगली बीत तक में हम देखेंगे कि वहाँ से हम महामती कहे ये मोमिनो ये मंदस्वर की बीत अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुकमा हाक सो कहो कम का उजैन के बीत यहाँ से स आये सीता महो तहाँ से नौलाय से आये उज्जैन अट्ठाईस मजले भई अठाइ मजले भई लालदा महाराज के धाम दिल में बैठकर स्वयं धाम धनी बता रहे कि हे सुंदरशा जी हम सब सुंदरशा श्री जी के साथ मंदसौर से निकलकर रास्ते में सीता मऊ से होकर नोलाई और नोलाई से 28 दिन के बाद हम उज्जैन में पहुँचे उज्जैन में हम धनबाई के घर पहुँचे तब क्या क्या दिन था तो भाद्रवा शुद्ध सष्टमी का दिन था उस दिन हम सब सुंदर सात श्री जी के साथ धनबाई के घर पहुँचे वहाँ भगवान भाई ने भी तारतम लिया और उसके बाद उज्जैन के अंदर कई सुंदर की जागनी होती है और कई सुंदर के मन के मनोरथ भी लौकिक एवं अलौकिक दोनों वहाँ पूर्ण होते हैं धामधनी ने रास ग्रंथ में बताया कि दई प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम सौ साथ के मनोरथ पूर्ण जो मारा धनी श्री धाम मन के मनोरथ पूर्ण किए मारा अनेक वार वार ने जाय श्री इंद्रावती मारा आत्म के आधार धामधनी ने क्या बताया दई प्रदक्षिणा अति घनी करु दंडवत प्रणाम किस प्रदक्षिणा की बात कर रहे धामधनी यहां चार प्रकार से प्रदक्षिणा होती है एक स्थूल शरीर से कोई मंदिर या देहुरी कोम पर, परिक्रमा करते हैं या एक अंदर मनवाणी के मन के धरातल पर परिक्रमा होती है एक परिक्रमा जीव के धरातल पर होती है और एक परिक्रमा आत्मा के धरातल पर होती है यहाँ बताया कि दई प्रदक्षिणा अति घनी करुदंडवत प्रणाम हे सुंदर सा जी तुम पल पल धनी के सानिध्य में रहना यहाँ सीधी आत्मिक परिक्रमा की बात कही गई है कि परिक्रमा हम आत्मिक धरातल पर भी हकीकत की भी परिक्रमा होती है और मार्फत की भी परिक्रमा होती है हकीकत की परिक्रमा में पहले हम स्थूल शरीर की परिक्रमा से मन के धरातल पर जाएंगे मन बुद्धि के और उसके आगे जीव के धरातल पर जाएंगे जीव से आगे जब हम आत्मिक धरातल पर पहुंचेंगे आत्मिक धरातल पर पहुंचने के बाद जब हम दिव्य परमधाम में हमारी आत्मिक सुरता जब वहाँ पहुँचेगी तो हकीकत के रूप में जो परमधाम के पच्चीस पक्ष बने हैं वो पच्चीस पक्ष का एक एक पक्ष का दर्शन करेगी एक एक लीला का लीला के सौंदर्य का ये शोभा का ये सुख लेगी उसको कहते आत्मिक परिक्रमा जो ये सब छोड़कर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को छोड़कर महाकारण रूप जीव को भी छोड़कर आत्मिक धरातल पर हकीकत की परिक्रमा और उसके बाद आत्मिक परिक्रमा जो मार्फत की है उसमें क्या होता है तो सीधे ही मूल मिलावे में पहुंचकर राज जी और श्यामा जी के स्वरूप में वो लीन हो जाती है अपने अस्तित्व को हो मिटा देती है क्या करती है अपने अस्तित्व को हो भूल जाती है और सिर्फ जी और श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार में वो डूब जाती है उसको कहते हैं मार्फत की परिक्रमा मतलब अपने स्व को निज स्वरूप को भूल जाना तो वहाँ दई प्रदक्षिणा अति घनी दंडवत प्रणाम परनाम मतलब आत्मिक परिक्रमा रूह से प्रणाम अंदर का प्रणाम स्थूल शरीर का प्रणाम तो हम हर बार मत्था टेकते हैं मंदिर में जाते हैं कोई भी जगह पर हम जाए पुरियों में तो मत्था टेकते हैं कई बार मत्था टेका सिर ऊंचा किया पता ही नहीं लगा कि राज जी ने आज कैसा स्वरूप श्रृंगार धारण किया है ये स्वरूप ने कैसा श्रृंगार धारण किया है किस रंग के वस्त्र पहने हैं ये भी हम देखते नहीं हैं तो वैसे ही हमारी परिक्रमा में स्थूल शरीर से सिर्फ मत्था टेकते हैं हमारा स्वरूप और हम चरण से सिर तक का कोई स्वरूप निहारते भी नहीं है ये तो हमारी एक स्थूल परिक्रमा हुई स्थल प्रणाम हुए यहाँ बताया दई प्रदक्षिणा अति गणी प्रणाम सौ के मनोरथ पुर जो क्या बताया इंद्रावती जी ने रास ग्रंथ में सौ साथ के मनोरथ पुर जो पूर्जो हे धामदनी ये साथ परम धाम में नहीं नहीं जान पाए ने क्या नहीं जान पाए परम धाम में हम सुंदर साध जी धामदनी के प्रेम और प्रेम की साहे भी बताए कि एक पातशाही अरस की और वाहदत का इश्क सो देखलावन ने रूहों को दिल में लिया हक पहले ली हक के दिल में ता पीछे आए माहे नूर सुंदर सा जी परम धाम में जो इश्क इश्क आनंद के जो सागर उमड़ रहे थे और धाम धनी के दिल की हकीकत के रूप जो परम धाम के पच्चीस पक्ष बने हैं वो पहचान तो वह हो गई लेकिन हम क्या मानते रहे परम धाम में कि हमारा स्वरूप भी अलग है ये लीला में जो हम माणिक पहाड़ पुखराज होश कोसर या जवरों की नहरें चौबीस सांस का महल जो भी हम देख रहे हैं उसका स्वरूप भी अलग है तो हमको पता ही नहीं लगा कि जो अनेक रूपों में जो लीला हो रही है वो धाम धनी के ही स्वरूप है जो रूपों में लीला हो रही है वो धाम धनी के ही स्वरूप है तो वहाँ राज जी ने अपनी रूप की पहचान तो दी लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं दी तो धनी उस दिल की उस स्वरूप की पहचान देने के लिए ये मनोरथ पूरा करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं नहीं कि ये सांसारिक इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं कि संसार के परिवार के रिश्तेदारों को निभाने के लिए नहीं कि ये व्यवहारिक कामों में लगे रहे कि हमारी पूरी जीवन सुंदर साजिए संसार के पीछे लगा दे इसलिए हम आए नहीं है तो यहाँ क्या बताया धाम धनी ने दई प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम इंद्रावती ने बताया कि हे धाम धनी ये सुंदर साथ ने जो परम धाम में मनोरथ नहीं पूर्ण हुए थे आपके दिल की पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी ये पहचान आप कराइए और अंतिम चौपाई में बताया दही प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम यह चौपाई अंतिम रास ग्रंथ की अंतिम तो है चौरासी चौपाई लेकिन यह चौपाई वैसे कहो तो वाणी की भी अंतिम चौपाई कही जाएगी क्योंकि उसके भाव के आधार पर उसके अर्थ के आधार पर क्या बताया कि दही प्रदक्षिणा अति घनी अभी हमने क्या जान लिया जो धाम में हमने नहीं जाना था अक्षर ब्रह्म ने भी नहीं जाना था अक्षरातीत के माहौल में क्या प्रेम और इश्क की और आनंद की लीला हो रही है और हमने भी ये नहीं जाना था कि अक्षर ब्रह्म के इस खेल में ये तारतम ज्ञान के द्वारा राज्य के दिल की जो पूर्ण पहचान करनी थी ये पहचान यहाँ हो पाई तो बताया ना दई प्रदक्षिणा आती गणी करु दंडवत प्रणाम सौ साथ के मनोरथ जो मारा धनी श्री धाम तो यहाँ सुंदर जी उज्जैन के अंदर सब साथ के लौकिक एवं अवलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण किए और कई सुंदर साथ की जागनी जागनी भी हुई उसने तारतम भी लिया और सबके घर प्रीति भोजन भी होते रहे ऐसे 22 दिन तक चलता रहा कितने दिनों तक 22 मैंने पहले भी बताया था चार बार 22 22 आएगी अंतिम बाईस से पहले 22 दिन मिलन हुआ इंद्रावती और सुंदरबाई का दूसरा बाईस दिन सुंदर साज जी जब दिल्ली में पहुँचे नहीं सिद्धपुर में बाईस दिन और तीसरे दिल्ली में प्रेम जी नाग जी और संग जी ये तीनों भी बाईस दिन रुके और चौथी बार ये बाईस दिन उज्जैन में तो चार बार बाईस दिन में प्रीति भोजन का भी कार्यक्रम चलता रहा और अंतिम श्री जी ने बताया कि बाईस दिन तक चर्चा सत्संग चितवनी चलता रहा और तेईसवें दिन वहाँ से चलने का विचार किया और तेईसवें दिन वहाँ से नौलाए आए नौलाय एक दो दिन रहकर वहां वहाँ से नूनेर आए नूनेर एक दो दिन रहकर वहां वहाँ से हम बुढ़ानपुर आए और बुढ़ानपुर से हम औरंगाबाद पहुँचे तो औरंगाबाद आज क्या लीला होगी ये आगे धामधनी बता रहे हैं के राणा के मुलक से आए रामपुर के ठोर दुधलाई डेरा किया ता किया दज्जाले सोर राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठोर राणा कौन राजसी राणा हमने कल उदयपुर की भी तक देखी ने उदयपुर से चलकर यहाँ सुंदर सुंदरसा जी धाम धनी मूल ठिकाना के कहाँ से मुकुंदासी को औरंगाबाद भेजा गया था ये मूल ठिकाना बताने के लिए थोड़ी आगे से बात ली है कि उदयपुर से वहाँ राणा से गांव जो उदयपुर से हम निकले और रास्ते में हम रामपुरा गांव पहुँचे और रामपुरा गांव के पास ही दुधलाई गांव पड़ता है दुधलाई गांव में हम पहुँचे तब वहाँ राजा के भाई बेरिसाल उसने श्रीजी और सुंदर साथ को वैरागियों को लूटने का जो प्रयास किया ये हमने कल प्रसंग को देखा प्रयास तो किया लेकिन प्रयास में वो निष्फल गए क्यों निष्फल गए पूरनमल चारण की जो माँ है उसने उपली पहचान की थी तो भी वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो गई तो ये बताया कि वहाँ से ही औरंगाबाद मुकुंदासी को रामपुरा गांव से ही औरंगाबाद दुधलाई से ही औरंगाबाद भेजा गया था तो औरंगाबाद में कौन कौन गए तो यहाँ बताया कि औरंगाबाद मुकुंदासी केशवदास, वल्लभ भाई और खिमाई भाई ये चारों सुंदर साथ को औरंगाबाद भेजा गया और वहाँ जाके मुकुंदासी ने फकीरी वेश में वेद वेदांत के चारों सुंदर साथ को औरंगाबाद भेजा गया वहाँ मुकुंदासी फकीरी वेश लेकर वेद वेदांत के जो धर्म ग्रंथ है उस पर पूरा अध्ययन करते हैं और फकीरी वेश में वो रहते हैं औरंगाबाद में और वेद वेदांत के अध्ययन के बाद वो थोड़े प्रश्न भी तैयार करते हैं और जो खिमाई भाई हैं वो मुकुंदासी के साथ रहते हैं लेकिन केशव दास और वल्लभदास है वो दुकान पर या आसपास में कोई मोहल्लों में या कोई ठिकाने के लिए कोई हवेली ले लेगी होगी वहाँ वो रहते हैं लेकिन उसके मुकुंदासी के साथ कौन रहते हैं सिर्फ खिमाई भाई तो यहाँ वेद वेदांत पर कई प्रश्न तैयार किए वेदांत के पंद्रह तैयार किए और भागवत के चालीस प्रश्न भी तैयार किए तैयार करने के बाद उसने कई महीनों तक प्रयास भी किए कि औरंगाबाद में भावसीहाड़ा को ये पत्र के माध्यम से ये प्रश्न पहुँचाने की मैं कोशिश करूं तो कई महीनों तक उसने ये कोशिश भी की भावसिहारा को देने के लिए लेकिन ये कोशिश में वो असफल रहे तो निराश होकर वो चलने की तैयारी कर रहे थे फिर अंदर एक विचार आया मन के अंदर क्या आया एक विचार आया क्या विचार आया कि भाई मैं क्यों असफल एक बार हुआ तो मैं ऐसे सोचकर मैं क्यों निराश हो के वापस लौटूं काम तो सिर्फ इतना ही है कि भावसी के पास बस ये प्रश्न भेजना है और तो कोई देखो आज मोमिन बारह मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार में सिर कटवाने के लिए गए ने अपने संदेश क्यामत संबंधी संदेश भी वहाँ पहुँचवाए पहुँचाए तो मैं तो सिर्फ बस औरंगाबाद में भावसी आ तो हिंदू है वैसे तो वो तो हिन्दू है तो वहाँ पहुँचाने में इसमें क्या दिक्कत है चलो ये तो मैं पहुँचा कर ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया कि पहुँचा कर ही ये पत्री रहूँगा तो निराश होकर वो वापस चलने वाले थे फिर अंदर दृढ़ संकल्प किया फिर गांव में औरंगाबाद में ठेर ठेर वीख मांगी और दो रुपये एकत्रित किए कितने दो रुपये एकत्रित कर, कर उसने एक रेशमी कपड़े खरीदे रेशमी कपड़े की एक थैली बनवाई और थैली में भागवत के चालीस और वेदांत के पंद्रह प्रश्न लिख कर उसमें थैली में एक प्रसाद भी डाला और ये पत्र प्रश्न रूपी पत्री भी उसके अंदर डाली और ये तैयार करके उसने ये भाव सिहाड़ा को देने के लिए अंदर विचार किया कि मैं ये पत्र तो देकर ही अवश्य रहूँगा तब रास्ते में उसको एक रामदास पंडित मिलता है कौन मिलता है रामदास पंडित मिलता है रामदास पंडित है वो जो औरंगाबाद में हाड़ा रहते हैं उसके राज दरबार का वो एक राजगुरु या पंडित मतलब उसके गुरु है राज पंडित है तो उसने देखा कि भाई हाड़ा को मिलने के लिए मुकुंदासी वहां जाते हैं और जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं किसने देखा ये ये रामदास पंडित ने देखा भाई कि भाई कदाचित ये औरंगाबाद में भावसी आड़ा का मन भी बदल दे उसको भटका भी दे तो मेरे को उसके दरबार से जो दक्षिणा मिल रही है ना तो बंध हो जाएगी तो उसने क्या किया भावसी हड़ा को न मिलने देने न मिलने देने के का देने के वजह कारण उसने उसको मार मार कर मुकुंदासी को मार मार कर नाले से पार कर दिया नाले से पार कर दिया तो उस वजह से मुकुंदासी जो जब ठार मारा और नाले से पार कर दिया ना तो मुकुंदासी को बहुत कष्ट हुआ और उसने सोचा कि दुष्ट रामदास मेरे को ये भावसीहाड़ा को मिलने नहीं देंगे तो मेरे को सावधान तो होना ही पड़ेगा कुछ अंदर से अलर्ट होना पड़ेगा तो उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है रामदास पंडित को मेरे को मिलना नहीं है मैं अपने आप ही एक बार अंदर से विचार कर कर आगे और कैसे सावधानी पूर्वक चिवट से काम लेना है ये उसने अंदर से सोचा और उसने सोचा कि औरंगजेब नहीं भावसी हाड़ा हिन्दू है तो वो देवी को मानते थे किसको मानते थे वो देवी को मानते थे तो रोज सामने देवी का मंदिर था तो वहाँ प्रणाम करने के लिए रोज जाते थे यहाँ मुकुंददासी सोच रहे हैं कि मैं देवी के मंदिर में पीछे दीवार के पीछे छिप जाऊँ वहाँ छिप जाऊँ राजा मंदिर में प्रणाम करने के लिए आएगा तो मैं ऐसे छिपके से उसको पत्री दे दूंगा मेरे को तो ये थोड़ा नाटक ड्रामा करना ही पड़ेगा उसके बिना ये काम बनने वाला नहीं है तो उसने ऐसा एक आइडिया किया और वो एक दिन देवी के मंदिर में दीवार के पीछे छिप गया और सुबह को राजा देवी के मंदिर में प्रणाम करने के लिए आए तो प्रणाम करने के लिए आए तो वहाँ से जैसे ही राजा अंदर एंटर हुए तब सीधे ही राजा को उसने ये पत्र जो थैली में तैयार किए हुए थे ये पत्र उसको दे दिए और पत्र दे दिए और पत्र तो ले लिया फिर अपने सामने ही महल पड़ता था राजमहल वहां ये चला गया और चलने के बाद वहां जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने अपने सेवकों को बोला कि सामने जो जिसने मेरे को पत्री दी है किसने दी थी सुंदर शाह जी मुकुंद दासी ने तो मुकुंद दासी को अंदर बुलाओ क्या बोला मुकुंद दासी को अंदर बुलाओ तो उसने मुकुंदासी को अंदर बुलाया सेवकों ने तो सामने ही उसका राजमहल होगा तभी मुकुंदासी को बुलाया होगा ना तो अंदर मुकुंदासी गए और वहाँ जो अपनी थैली में जो पत्र और प्रसाद दिए थे वो सब निकाले वहाँ रामदास दुष्ट भी बैठा था रामदास पंडित दुष्ट भी वहाँ बैठा था तो उसने जो जब पत्र निकाले और पत्रों पर सुंदरसा जी डिस्कस भी होने लगी चर्चा चिंतन मनन भी उस पर मंथन भी होने लगा और जब चर्चा चितवन ऊपर होने लगा तो रामदास महंतवा बैठा है उसने बोला कि भाई ये लोग तो एक कृष्ण के दो स्वरूप बताते हैं क्या बताते हैं एक कृष्ण के दो स्वरूप क्योंकि उसको त्रिधा लीला का पता नहीं था किसको पता नहीं था त्रिधा लीला का रामदास को तो उसने बोला कि भाई क्या शास्त्रों में कोई शास्त्रों में ऐसा तो नहीं लिखा है कि कृष्ण जी के ही दो स्वरूप है तो उसके साथ क्या शास्त्रार्थ क्या चर्चा उसका तो मुख भी देखना नहीं चाहिए ऐसा किसने बोला रामदास महंत ने तो भावसी रामदास महंत की ओर देख के अंदर से तमतमा उठा उसने बोला कि भाई तू उसकी और ईर्षा और द्रेस क्यों अंदर से कर रहा है तू ही तो दज्जाल के रूप है तू ही काम चोर है वो तो सही बता रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे निज स्वरूप की पहचान करा रहा है कृष्ण के तीन स्वरूप है एक नहीं बताया ने कि कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे लेकिन भेद न जाने कोई जो रूप तो एक ही है देखो लेकिन अंदर लीला कितनी हुई तीन लीला हुई ग्यारह साल और बावन दिन की लीला हुई वो अक्षरातीत के आवेश और अक्षर की आत्म के साथ अग्यारह साल और बावन दिन की लीला हुई फिर ये शक्ति चली गई फिर ग्यारह दिन की जो यहाँ प्रतिबिंब की व्यवहार की गोकुल मथुरा में जो लीला हुई वो गौलो की शक्ति की लीला हुई उसमें सात दिन की गोकुल की और चार दिन की मथुरा की लीला हुई और उसके बाद हो सकती भी मथुरा जाके जब चारों काम पूरे हुए कि गजमल कंस को कारज कियो उग्रसेन को टिका दियो गजमल चारुण मुश्तक हाथ को मारा कुबलिया पीड़ हाथी को मारा या कंस को मारा और वसुदेव देव की को बंधन से छुड़ाया और उग्रसैन को राज्य तिलक किया ये चार काम जब पूरे हुए तब उसके बाद वो शक्ति भी चली गई बरसाना में राधिका के अंदर और उसके बाद जो क्या शक्ति आई तो विष्णु भगवान की वही शक्ति आई उसने मथुरा और द्वारिका को लेकर 112 साल की लीला की यह पता रामदास महंत को नहीं है तो रामदास महंत ने बोला कि ये तो कृष्ण जी के दो स्वरूप बताते हैं तभी यहाँ मुकुंद तभी यहाँ भावसिहाड़ा ने बोला कि भाई ये तो सही बता रहे तुम क्यों अंदर देश और अग्नि की ईर्षा से जल रहे हो तब ये चर्चा चलते चलते आगे और चर्चा चली उसमें रामदास महंत ने बोला और नहीं औरंगाबाद में भावसी हाड़ा ने बोला कि चलो तुम तो ठीक चर्चा कर रहे हो बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हो मुकुंदास जी तो आपको रहने के लिए मैं पास में एक हवेली भी रहने के लिए एक स्थान भी दे देता हूँ तब उसने बोला कि भाई हे रामदास जाओ उसकी सेवा करो और रहने के लिए ठिकाना भी दे दो तब रामदास महंत ने क्या बोला कि मेरी भी उसकी सेवा करने की बहुत इच्छा है तब मुकुंददास जी ने बोला कि हे भावसी हे राणा जी हजूर तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम मैं उसकी पहले से ही सेवा स्वीकार कर ली है सहन कर ली है अभी मैं उसकी सेवा स्वीकार करना नहीं चाहता देखो मेरी पीठ को पीछे से अपना जामा ऊंचा कर कर बताया मुकुंददास जी ने कि देखो मेरी पीठ पे तो पीठ पर जो घाव बने थे ये घाव जब भावसी राणा ने देखा तो उसने सीधे ही अपने रामदास महंत अपने पंडित को धक्का मारकर बोला कि तू जा चले जा यहाँ से तुम हमारे दरबार में आने वाले अतिथि की ऐसी सेवा करते हैं क्या तू ये सीखा है क्या तू हमारे देश से हमारे गांव और देश से बाहर निकल जा और उसके सेवकों को भी बोला कि उसको गाली भी दे दी कि भाई तुम उसको बाहर निकाल दो उसने मुकुंदासी की ऐसी सेवा की क्या ऐसे मार मारे फिर मुकुंदासी को सांत्वना भी देते हैं कौन भावसी राणा सांत्वना देते और सांत्वना के बाद जो वहाँ और पंडित भी बैठे थे वहाँ और पंडित भी बैठे थे तो पंडित लोगों को बोला कि जो मुकुंद जी जो पत्री में प्रश्न लिख कर आए हैं चलो पंडित लोगों तुम ऐसा करो कि प्रश्नों का मेरे को जवाब दे दो सुंदरसा जी ये कोई किस्सा कहानियां नहीं है देखो संसार में इतने मत पंथ चल रहे हैं क्योंकि मंजिल को और आगे बढ़ाना है ने मैं कितनी बातों को विस्तार से ऐसे ऐसे करती जाऊं तो भी रह नहीं पाती तो कोई कोई प्रसंग फिर रोक देती फिर वहां विस्तार से बताने लगती सुंदर साथ जी आज संसार में कितने मत पंथ कई पैडे चल रहे हैं कई संप्रदाय चल रहे हैं लेकिन सब की कहाँ कहाँ तक की पहुंच है और किसी को अपना पता ही नहीं कि हम कौन है, है? कहाँ से आए हैं यह संसार वो शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है मैंने एक दिन बताया था ना कि संसार के छह कठिनतम प्रश्न है कि हम कौन है आए कहाँ से है संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है इतना ही नहीं और भी आगे तीन प्रश्न है कि परब्रह्म है तो कहाँ है और कैसा है उसका स्वरूप धाम और लीला और उसको प्राप्त करने का आत्म साक्षात्कार का मार्ग क्या है ये अभी तक आज ये संसार में सिर्फ हिंदू जाति में बार मत है कितने बारसो मत एक हजार मत और बारसो जातिया इस हिंदू जाति में एक हजार मत संप्रदाय और बारसो जातिया है लेकिन किसी को पता नहीं है कि निराकार नारायण से आगे अखंड बेहद भूमि का क्या है तो ये नहीं पता तो उससे परे दिव्य परम धाम क्या है ये अभी तक कोई जान नहीं पाए थे यहाँ रामदास महंत को ये से और पंडित लोग भी वहां बैठे हैं श्री जी ने जो मुकुंदासी पत्र में जो प्रश्न लिख कर आए थे ये प्रश्न उस सब पंडितों को पूछा लेकिन पंडितों में किसी को भी एक को भी जवाब कितने पंडित लोग थे लेकिन नहीं भागवत के कोई प्रश्न के जवाब मिले नहीं वेदांत के कोई सुंदर शाह जी भागवत के प्रश्नों के जवाब नहीं मिले तो वेदांत के तो और भी गहन है और भागवत में भी, भी कई गहन ऐसे प्रश्न से है जो मैंने एक दिन बताए थे सूरत के प्रसंग में कि पहला ही प्रश्न है कि मोह क्या पदार्थ है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ और हिरण गर्भ क्या पदार्थ है ये ब्रजलीला क्या है रासलीला क्या है अखंड ये ब्रजलीला अखंड हुई तो कहाँ हुई ये रासलीला अभी भी अखंड है तो ये लीला कहाँ अखंड है जो ऐसे ऐसे कई चालीस प्रश्न है ये अभी तक कोई ये संसार में जवाब नहीं दे पाए क्योंकि कस, किसी को पता ही नहीं कि ये कारण प्रकृति क्या है तो कारण प्रकृति जो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई ये कैसे बता पाए जो राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप ये नारायण बने और नारायण के संकल्प से ये उत्पन्न हुई ये किसी को इस संसार में पता नहीं है या वेद वेदांत के और भागवत के प्रश्न पूछे गए लेकिन ये पंडितों को जवाब नहीं आया मुकुंदासी वहाँ बैठे हैं मुकुंदासी ने बोला कि भाई आप ऐसा करो ने पंडित लोग मेरे को जो प्रश्न पूछे ने उसको संतुष्टि मिले वैसे ही मैं जवाब दूंगा आप ऐसा करो पंडितों को बोलो कि वो मेरे को प्रश्न पूछे ठीक है तो यहाँ फिर एक शर्त रखने के रखनी शर्त एक रखी गई क्या रखी गई शर्त कि वही मुकुंदासी ने बोला कि ऐसा करो जो पंडित लोग मेरे को प्रश्न पूछे ये मैं जवाब दे दे दूंगा और वो मैं पूछूँ वो पंडित लोग जवाब दे, दे देंगे जो किसी से जवाब नहीं आएगा मान लो पंडितों की ओर से नहीं आएगा तो उसके गले में जूते की माला पहना कर पूरे औरंगजेब शहर में हम घुमाएंगे जो मेरे को ये जवाब नहीं आएगा तो ये काम मैं करूँगा ऐसी एक शर्त रखी गई वहाँ पंडित लोग जो बैठे थे उसने अस्सी प्रश्न तैयार किए और जो मुकुंददास जी ने तेईस प्रश्न तैयार किए कितने तेईस प्रश्न तैयार किए प्रश्न का जवाब मुकुंदासी ने वहां बैठे बैठे वो पंडित लोगों को सं, दिल को संतुष्टि मिले ऐसे साफ साफ यही तत्काल वही समय में उसने दे दिया और पंद्रह दिन की मोहलाद दे दी थी किसको ये पंडित लोगों को क्योंकि वो सोच समझकर विचार करे और उसके अंदर संशय ना बने रहे इसलिए उसको तो पंद्रह दिन की मोहलत समय दिया था कि तुम पंद्रह दिन में मेरा तेईस प्रश्नों का जवाब तुमको देना है लेकिन उसको पंद्रह दिन के बाद भी एक प्रश्न का जवाब नहीं आया तो यहाँ पंडित लोगों उसने उसकी निंदा किसकी ये मुकुंदासी की और सुंदर साथ की निंदा शुरू कर दी तो यहाँ भावसी राणा ने बोला कि तुम लोग क्यों निंदा करते हो मेरे को पता है कि आपको उसका जवाब नहीं आया इसलिए आपने निंदा शुरू कर दी है फिर बताया भावसी राणा ने कि हे पंडित लोगों तुमको जो मेरे राज दरबार से दक्षिणा मिलती है ना रोज राज से पंडित लोगों को दस बीस रुपया दक्षिणा मिलती थी तो यहाँ भावसी राणा ने बताया कि मैं रोज की जो दस बीस रुपया दक्षिणा मिलती थी ना उसमें से मैं आदि कर दूंगा कितनी आदि सुंदरसा जी अब जो पंडित लोग हैं आज हम कोई मांगलिक प्रसंगों में कोई लग्न विवाह का शादी का प्रसंग हो तो हम मुहूर्त या चौघड़िया जो मुहूर्त दिखाने के लिए देखने के लिए वहाँ पंडित लोगों के पास जाते हैं ग्रह नक्षत्र ग्रहों दिखा मतलब जानने के लिए हम भी पंडित लोगों के पास जाते ये पंडित लोगों की कल भी हमने विस्तार से चर्चा सुनी थी कि ये पंडित लोग कैसे है पेटा रथु है कल बताया था ने ये नषीश्वर का बताया था कि भाई ये पंडित याग्निक जाति के ब्राह्मण है ये कर्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं है उसका कैसा है बस ये जो प्रश्न का जवाब नहीं आया तो निंदा शोरू कर दी तो उसका आधा रोज कटौती कर दी और आधा रोज का फाइनल करना था लेकिन अभी फाइनल किया नहीं है पंडित लोग ने क्या बोला मुकुंदासी के पास आकर बोला कि हे मुकुंदासी आपके चरणों में हम एक बार नहीं दस बार हम झुक जाते हैं ये प्रश्नों का जवाब हमारे से नहीं आएगा मतलब हम ये प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे आप ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है आप हमारे राणा को बोल दो रा ये भाउसी राणा को कि तुम हमारी आधा तो ये जो रोजगारी उन्हें मिलती है ये हमको दे दे तब मुकुंदासी ने बोला कि मैं आपका ये काम कर दूंगा इसमें क्या है मैं आपका ये काम कर दूंगा इसमें कोई दिक्कत या चिंता या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे दिन वो भावसी राणा पे के पास मुकुंदासी गए और उसने बोला कि हे राणा जी तुम ऐसा करो ये पंडित लोगों का आधा रोज कटौती कर दो और आधा रोज उसको रोज़ देते रहो तो फिर ये पंडित लोगों का काम बन गया और यहाँ से ये प्रसंग पूरा होने के बाद सुंदरसाज जी दूसरा प्रसंग दूसरा घटनाक्रम शुरू होता है तो दूसरे दिन तीसरे दिन और चौथे दिन फिर उसने ये चर्चा सुननी शुरू कर दी किसने भाउसी राणा ने उसको पूरा ईमान आ गया उसको पूरा विश्वास आ गया और उसने तारतम भी ले लिया किसने भाउसी राणा ने तारतम ले लिया और उसने बोला कि जाओ अब तुम श्री जी और सुंदर साहद जी को बुला के लाओ कहां से बुला के लाओ श्रीजी और सुंदर साहद कहां है अभी रामपुरा में से आगे मंदसौर है ने कहाँ पहुँचे हैं मंदसौर में है तो मंदसौर से तुम वहाँ से बुला के लाओ जाओ मैं यहाँ से आपको घोड़ा भी देता हूँ और इतना ही नहीं बूंदी से एक हथिनी भी आप ले लो और सीजी जी और सुंदर सात को लेने के लिए आप चले जाओ तो वहाँ से मुकुंदासी निकल पड़े और औरंगाबाद से सीधे मंदसौर पहुंचे वहां श्री जी और सुंदर साथ को बुंदिनी से अथिनी भी ले ली थी और वहाँ जाके श्री जी और सुंदर साथ बाइजू राज को लेकर वो कहाँ पहुँचे भावसी राणा के पास औरंगा वहाँ मंदसौर से ले कर भावसी राणा के पास औरंगाबाद में भी पहुँच जाते हैं औरंगाबाद जब पहुँचते हैं तो भावसी राणा श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं अपना बार बार सिर झुकाते हैं और सिर झुकाने के बाद अपने को धन्य धन्य मानता है क्या मानता है अपने को धन्य धन्य मानता है कि धन्य दिवस मारे आज नो जो धनी के साथ मेरा धन्य दिन धन्य दिन आज मेरा बताया ने धन धन्य, धन्य दीवन दीन मारे आज का जो पीऊ जिसो वो रे मिलन धन धन सखी मेरे सोए रे दीन जिन दिन पीऊ जिसो उ मिलन धन धन सखी मेरे सोए रे दीन जीना दिन सो मिलन धन धन सखी में भई सुहागिन यहाँ क्या बताया कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन जिन दिन जी सो हुओ रे मिलन यहाँ सी जी के साथ जब भाव सिहाड़ा मिलते हैं तो अपनी आत्मा को हो धन्य धन्य मानते हैं और अपने पास की एक हवेली भी दे देते हैं और अपने सेवकों को कहते हैं कि वहाँ सुंदर सात को ठहराओ श्री जी को वहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी कर दो और वहाँ प्रीति भोजन और खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है और वहाँ श्री जी चर्चा सत्संग भी शुरू कर देते हैं कहाँ औरंगाबाद में श्री जी जहाँ जाए वहाँ चर्चा सत्संग चितवनी भी शुरू कर देते हैं ये चर्चा चितवनी सुन के ये सत्संग सुन के सुंदर जी और वहाँ जो सुंदरसाथ जब भावसी हाड़ावा दर्शन करने के लिए आए उस टाइम पे नरसिंह के वचन सुंदरसाथ गा रहे थे व्रजलीला के वचन किसके व्रजलीला के वचन और उसके बाद रास के भी किरणतन गा रहे थे रास के किरणतन सुन के तो भाउसी राणा नाचने लगे क्या करने लगे ये नाचने लगे और अपने महल में भी सुन्दरसा और श्री जी की पधरावनी की और बोला कि चलो एक एक जगह आपकी पधरावनी करो आज मेरे दिन ऐसे है कि धन्य धन्य बन गए मेरी आत्मा भी धन्य बनी और आज के दिन भी हमारे धन्य बन गए तो आज हम एक ब्रज के एक किरण तन में हम रास ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण को गाए प्रेम सेवा वाले प्रागट की दी प्रेम सेवा वाले प्रागट की दी वार वारे वाला वा रा रे ये वचन क जो इचा लीए क नर सयातना नीर धार रे वाला नर सयातना नीर धार रे वे ब्रज नरसैई प्रगट अति घना वचन विवेक रे ये पगला सर्वे रे ये पगला सर्वे आप तुम जाको ते जा रे तमे जानी सकोते जान रे सुंदर जी या नरसी मेहता के जो व्रज के वचन है व्रज के जो किरणतन के माध्यम से लीला का जो वर्णन किया है रासग्रंथ के चौथे प्रकरण में प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी किस प्रेम सेवा की बात कर रहे हैं कि ब्रज में हमने कैसी प्रेम की राह अपनाई थी ब्रज में हमने प्रेम मार्ग का अवलंबन कैसे किया था तो हे सुंदर साजी तुम ब्रज और रास लीला का प्रेम का मार्ग का अवलंबन कर लो उसमें से प्रेम की सीख लो कैसे गोपी का प्रेम के मार्ग पर चली थी और कैसे ही एक पल में गौपद वच्छ संसार कर दिया था इतना ही नहीं ये प्रेम में पागल दीवानी कृष्ण के बिना एक पल रह नहीं सकती थी भले ही संसार में रहती थी लेकिन संसार में अपना मन नहीं लगता था संसार से वो निराश रहती थी अंदर से बार बार कृष्ण जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप के लिए वो तड़प रही थी तो ये प्रेम की जो लीला लीलावृज की हुई ये प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी उसका वर्णन किसने किया है नरसी मेहता ने नरसी मेहता ने व्रज का वर्णन किया या बताया धामधनी ने वाणी में कि व्रजिहे व्रज का वर्णन तो किया लेकिन वो रास का वर्णन नहीं कर पाए इंद्रावती ने इसलिए बोला कि व्रज व्रज का वर्णन तो नरसी मेहता ने किया लेकिन वर्णन रास का वो नहीं कर पाए तो चलो मैं रास के वर्णन से ही ग्रंथ का वर्णन शुरू करूँ देखो व्रज का तो थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा थोड़ा थोड़ा वर्णन लिया है लेकिन रास के पूरे ग्रंथ नौ सौ सात चौपाइयों में रास ग्रंथ का अवतरण हुआ क्योंकि रास का वर्णन सुखदेव मुनि ने अध्याय में किया अध्याय के बाद परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिए वहाँ से रास का वर्णन नहीं हो पाया धामधनी ने प्रकाश गुजराती में बताया कि भागे जोश कई अध्याय रास वर्णन हुआ तीनताएँ नरसी मेहता ने ब्रज के वर्णन ये स्थूल धरातल पर होता ने क्योंकि ब्रज की लीला कहाँ हुई थी ये काल माया के ब्रह्मांड में ऐसे ही एक दिन और रात का ये स्थूल धरातल पर ब्रज का ब्रह्मांड बना था तो ये मन बुद्धि के धरातल पर ब्रज का ब्रह्मांड तो हो सकते हैं लेकिन रास का ब्रह्मांड नहीं हो सकते है रास के ब्रह्मांड के लिए तो आत्मा को एक सखी भाव एक गोपी भाव लेना पड़ता है और आत्मा के धरातल पर बेहद में जब पहुंचते हैं तो वहाँ ये स्थूल शरीर को छोड़ना पड़ता है तो नरसिंह मेहता ने रास को देखने के लिए मसाल हाथ में लेके वो जूनागढ़ में है अपने घर और वहाँ से मसाल हाथ में लिए मसाल जल रही है अपना हाथ भी उसके साथ जल रहा है रास दिखने के लिए बहुत से प्रयास किए लेकिन वो रास का वर्णन रास की प्रतिबिंब लीला का तो सुख लिया चार दरवाजे आडे आए कितने आए बीच में चार दरवाजे लेकिन हमारी असल रास लीला का सुख वो नहीं ले पाए यहां बताया कि नरसिंह मेहता के, के वचनों का जब वर्णन चल रहे और उसके बाद रास के भी किरंतन वहां सुंदर साथ गा रहे क्या किरंतन આવો વાલા રામત રસની કીજે આપણ કંઠળે બાહોળી કાન લીજે આવે આવકે મકરી લાવ્યા રે હોવા લૈયા થયો अति मोहमा वालैया खीण एकाया थी अलगा मथाओ अमे न खमाही बिछो हमारा वालैया कथन भिड़ा भिड़ न की झे हो वालैया मुंजाई हमारा मारा आवो वाला वाल ये करते करते कतेब की और चर्चा में श्री जी चल पड़े तो कतेब क्योंकि वेद और कतेब दोनों एक ही बात करते लेकिन भेद क्या है ये भाषा का वेशभूषा का थोड़ा ये मत पंथदाय मत संप्रदाय के भिन्नता का ये जो हमारा भेद है ने उस भेद के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दोनों झगड़ रहे हैं क्यों झगड़ रहे परमात्मा तो सबका एक है सबका मालिक साईं बाबा ने क्या बोला सबका मालिक एक है मालिक तो सबका एक ही है लेकिन भाषा भेद वेशभूषा या भिन्नता रस्म रित रस्मों की भिन्नता उस कारण ही ये लोग झगड़ रहे हिंदू हम उत्तम मुसलमान कहे हम पाक दोनों मुठी एक, थोर की, एक राख दूजी खाक दोनों एक ही है तो यहां एक दिन क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को एक झंडे के नीचे लाकर सबको एक ही पहचान करवानी है क्योंकि मुसलमानों को कलमा से करवानी है अपनी आयतों से करवानी है कुरान के माध्यम से करवानी है और हिंदुओं को धर्मशास्त्रों के माध्यम से और वाणी भी उतर चुकी है ये अखंड ब्रह्मवाणी भी आ गई है तो उस माध्यम से भी हिंदुओं को भी पहचान करवानी है तो यहाँ कतेब की चर्चा शुरू हुई कतेब की जब चर्चा शुरू हुई तो भावसी राणा अचानक चकित हो गए आश्चर्य चकित हो गए उसने बोला कि हे श्री जी कुरान में भी क्या हमारी साक्षी आए तो कुरान में किस किस जगह पर हमारी साक्षी आए आप ऐसा करो ने उसका स्पष्टीकरण कीजिए कहाँ कहाँ पर साक्षियाँ हैं तब श्री जी ने कुरान की साक्षियाँ बताने के लिए बोला कि में सिपारे आम सिपारे में भी है और पहले सिपारे में भी है वैसे कुरान में पंद्रहवें सिपारे में भी खुदा ताला की सूरत का वर्णन है तिलकर रसूल नाम के तीसरे सिपारे में भी कितने जात की पैदाइश से ये सब वर्णन अलग अलग सिपारे में दिया गया है तो यहाँ भाव सी राणा को श्री जी बता रहे हैं कि भाई हिंदू पक्ष से वेद पक्ष से मेरे को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप से जाना जाता है आज लोग बुद्ध स्वरूप और कल की स्वरूप की राह तो दिख रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि बुद्ध स्वरूप भी संसार में जाहिर हो गए और कलकी भी आ गए हैं जैसे चौबीस अवतार चौबीस अवतार विष्णु भगवान के भैंकुर से आते और जाते ने एक बार नुशी एक बार वरा एक बार कश्यप मत्स्य व्यास परशुराम राम कृष्ण ऐसे अवतार आते और जाते लेकिन कोई काल में कोई समय में कोई ब्रह्मांड में ऐसा अवतार नहीं आया था ऐसा स्वरूप नहीं आया था जो बुद्ध और कलकी ये सातवें मनवंतर की अठयावीसवीं चौकड़ी में अंतिम कलयुग में जो ये बुद्ध और कल की स्वरूप आये तापर औरंगजेब भए यही कलयुग के नाम तापर अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम उसकी भविष्योत्तर पुराण में बुद्ध गीता में बुद्ध स्तोत्र में हरिवंश पुराण में वैसे कई जगह ये साक्षिया दी गई है माहेश्वरतंत्र में पुराण संहिता में आ, आ, भागवत में ऐसी कई जगह जगह साक्षियाँ दी गई है निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की तो यहाँ बताया कि हे भावसी राणा वेद पक्ष से मेरे को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप से नाम से जाना जाता है या कत पक्षे इमाम मेंदी साहेबुजमा नाम से जाना जाता है बात तो दोनों की एक है लेकिन झगड़ा भेदभाव वेशभूषा और जाति का और रीत रस्मों का है भावसी राणा ने बोला कि श्री जी जो मेरे दरबार में चार मुसलमान है कितने चार मुसलमान हैं उसको तुम ऐसा करो ने ये पहचान कराओ मुसलमानों को कते परंपरा के माध्यम से तो श्री जी ने बोला कि हाँ ठीक है मेरे पास उस मुसलमानों को भेज दो यहाँ और भावसी राणा ने बोला कि जो मेरे मुसलमान एक खुदा ताला पर एक अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा आप कुरान के हिसाब से उसके सिपारा और आयतों के माध्यम से आप क्यामत संबंधी और इमाम मेहंदी आ चुके हैं कलयुग के अंतिम चरण में उस हिसाब से फरदा रोज क्यामत क्या बोला है कुरान में फरदा रोज क्यामत कल का दिन मतलब खुदा का दिन हज़ार यहाँ का दिन एक और नहीं यहाँ का दिन हजार यहाँ का साल हजार खुदा का दिन एक यहाँ का साल हजार खुजा, खुदा का दिन एक यहाँ के साल सौ खुदा की रात एक तो वैसे एक हजार प्लस सो एक हजार प्लस सो तो ग्यारह सौ साल के बाद मतलब फरदा रोज कल का दिन कल का दिन मतलब एक दिन और एक रात भी थे तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा तो मोहम्मद साहब ने 1100 साल पहले जब श्री जी आए उस टाइम से पहले 1100 साल पहले बोला था आ, कुरान में कि मैं कल के दिन आऊँगा फिर रूहल्ला के साथ आऊँगा इमाम मेहंदी के साथ आऊँगा जब उसके यारों ने नदी के यारों ने पूछा नदी के जो चार यार थे अबूबकर उस्मान अली और उमर ये चार यारों ने पूछा तब उसने बताया कि भाई मैं फरदा रोज कल के दिन में आऊँगा तो रोज मोहम्मद साहब को ये उसके अनुयायी और यार लोग पूछते रहते थे कि भाई तुम्हारा कल का दिन तो वैसे कई दिन बीत गए लेकिन अभी खुदा ताला रूहल्ला तो आई नहीं रहे तभी बताया कि भाई खुदा का तो इतना लंबा दिन है और उतनी लंबी रात है ग्यारह सौ साल के बाद वो आएगा तो यहाँ भावसी राणा ने ये बताया कि तुम क्या मत संबंधी और इमाम मेहंदी संबंधी मेरे चार मुसलमानों को समझाओ तो हो ये दिन दिन इस्लाम में निजानंद सम्प्रदाय में वो शामिल हो, हो जाएंगे तो यहाँ श्री जी ने बोला कि चौकस निश्चित मैं उसको समझाऊंगा इतना नहीं और भाऊसी राणा ने बोला कि मैं भी औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा इतना नहीं लड़ाई करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगा लेकिन ये चार मुसलमानों को समझाओ तब श्री जी ने बोला कि चार मुसलमानों को मेरे साथ मेरे पास भेज दो फिर भावसी राणा ने बोला कि भाई मेरे को तो ईमान है मेरे को कोई संशय नहीं है लेकिन ये चार मुसलमान जब समझ जाएंगे तब श्री जी ने बोला के चार मुसलमान समझ भी जाएंगे और ये आके आपको बोलेंगे आपका चार आदमी चार मुसलमान भी आपको स्वयं आके आपके पास बोलेंगे कि नहीं यही इमाम मेहंदी है यही रूहल्ला है यही नेक बंदे मोमिन है और क्या मत और आखिर का ये समय जो आने का टाइम कुरान के हिसाब पर लिखा गया था वही समय आ गया है तो आप मानोगे तो बोले हाँ भावसी राणा ने बोला कि मैं मान जाऊंगा तो श्री जी ने बोला कि मेरे पास भेज दो वो सारे मुसलमान को भेजा श्री जी ने चर्चा भी शुरू कर दी वहाँ चर्चा शुरू करने के बाद दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम श्री जी कुरान के आधार पर हदीसों के आधार पर क्यामत और इमाम मेहंदी आने की और ऐसे कई सिपारों के माध्यम से उसको समझा रहे उसमें से एक है अवल खान एक है जहान मोहम्मद एक है मेहिन खान और एक है फतेह मोहम्मद ये चार जो उसके नजदीक के जो ये लोग हैं, तब उस टाइम पे भवानी भट्ट कौन भवानी भट्ट कहाँ से आते हैं दक्षिण से भवानी भट्ट उस टाइम पे आते हैं और भवानी भट्ट का मेला पहले से उदयपुर में श्री जी के साथ हो चुका है यहाँ भवानी भट्ट बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत्र लेकर आते हैं बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत्र में भी हमारी साक्ष्य मैंने अभी बताई ने बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्रों में इसमें एक में ब्रह्मा जी आ, ब्रह्मा जी को नारद जी बताते हैं और एक जगह शिव जी और पार्वती जी का संबंध है बुद्ध गीता में और बुद्ध स्त्रोत्रों में दोनों में नारद जी और ब्रह्मा जी शिव जी और पार्वती जी का संवाद उसमें इमाम मेंदी और वेद पक्ष निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कभी संसार में जाहिर हो गए ये साक्षिया उसमें लिखी हुई है तो उस टाइम पे वो दक्षिण भारत में रह रहा था तो वहाँ से वो आए और आने के बाद श्री जी के चरणों में वो झुकते हैं और प्रणाम करते हैं और श्री जी भी और उसके पास जो बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत्र थे उसका पाठ भी करते थे और श्री जी के चरणों में भी प्रणाम करते थे और श्री जी ने भी अपनी उपली पहचान दी उसको क्या दी अपनी उपली पहचान पूर्ण पहचान अभी उसको दी नहीं है यहाँ अवल खान आपको पता है सबको विदित है कि जब उदयपुर में अवल खान ने पहचान कर ली थी कर ली थी ने जो अपने शरीर पर चाबुक मार रहा था तो ये अवल खान मिन खान और जहान मोहम्मद को लेकर आते हैं अवल खान को तो अवल खान के अंदर तो अंकुर था उसने तो पूर्ण पहचान कर ली थी ये दोनों को खुदा ताला अल्लाह ताला क्यामत संबंधी ये सब पहचान कराते हैं तो ये दोनों को तो ईमान आ जाता है किसको ये दोनों को मीन खान और जहान मोहम्मद को लेकिन अभी जहान मोहम्मद को पूर्ण ईमान आता नहीं है ये आगे धाम धनी बताएंगे तो यहाँ तीनों को तो तीनों चर्चा भी सुन रहे और कहर पठान बानों में श्री जी ने चर्चा शुरू कर दी और श्री जी रात दिन उसको चर्चा दोनों टाइम सुना रहे और सुनते सुनते और आगे बताया कि जो ये जहान मोहम्मद है वो जहान मोहम्मद आरबी खाना से भी जाना जाता था वो कुरान के जहान मोहम्मद ने कुरान का जो पूरा तालीम लिया था और सबके सबको ये जो लिखे पढ़े हुए लोगों को भी वो तालीम भी देता था जहान मोहम्मद और आरबी खान नाम से जाना भी जाता था उसको पूरा कुरान कंठस्थ था उसके बाद जो भवानी भट्ट वहाँ से आए हैं दक्षिण भारत से जो आए हैं वो भवानी भट्ट सुबह से आ, वो जल्द जल्द उठकर वो अपना जो बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत्र वहाँ पधराते हैं एक रेवल पर बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत्र और एक रेवल पर कुरानदीशा भी पधराए जाते हैं और वहाँ चर्चा भी होती है भवानी भट्ट वहाँ चौपाइया बोलते जाते हैं और श्री जी वहाँ चर्चा करते जाते हैं सुंदर शाह जी चर्चा करते करते कई समय दस बजने बज जाते हैं और दस बजने के बाद श्री जी आराम भोजन प्रसाद आरोपते हैं और भोजन प्रसाद आरोपने के बाद श्री जी आराम करते हैं आराम करने के बाद जब सवा तीन बजते हैं कितना सवा तीन बजते हैं तो सवा तीन बजे श्री जी अपने शयन से उठ जाते हैं अपने पलंग से और शयन के बाद श्री जी वहाँ सुंदर को फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं चर्चा में क्या बताते हैं सुंदर जी श्री जी चर्चा में मूल स्वरूप मूल मिलावे का वर्णन करते हैं मूल स्वरूप और मूल मिलावे का वर्णन करते हैं वहाँ सब सुंदर सात बैठ के सुनते हैं क्या वर्णन करते हैं स्वरूप का हमने कल भी सुंदर जी वर्णन देखा था युगल स्वरूप मूल मिलावा का कि यहाँ से सुंदर को सवा तीन बजे उठने के बाद साढ़ा चार बजे चर्चा शुरू होती है और छः बजे तक जब वर्णन चालू रहता है स्वरूप का सिंगार का वस्त्रों का आभूषणों का कैसे बताते हैं श्री जी सुंदर सुन्दरसा जी आप साढ़ा चार बजे हम साढ़ा चार बजे इस संसार में खेल में आए थे कितने बजे आए थे साढ़ा चार बजे वहाँ पल भी नहीं बीती है वहाँ एक साइित एक घड़ी भी नहीं बीती है वही पल में हम मूल तन में फिर जागृत हो गए तो सुंदर जी अपनी अपनी सुरता को लेकर यह हद ब्रह्मांड को छोड़कर बेहद को छोड़कर दिव्य परमधाम में हम केल के पुल पहुँचे केल के पुल से हम पाट के घाट पहुँचे पाट के घाट हमने हमारे दिव्य श्रृंगार अंगना भाव लेकर हमारे दिव्य श्रृंगार हमने सजे प्रेम का दिव्य श्रृंगार सज कर हम वन की रोश पर आगे बढ़े चांदनी चौक में पहुँचे चांदनी चौक की नूरमई प्रकाशमयी ऐसे अनेक एक एक कर्म से कई तरंगे कई किरणें उठ रही है जो आसमान तक जा रही है ऐसी कोमल मुलायम जो बालू बिछी हुई है ये बालू पर हम चरण कमल रखते रखते कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम सीढ़िया चढ़ रहे सीढ़िया पर भी कोमल मुलायम गिलम बिछी है कठड़े की शोभा देखते देखते हम धाम चौक में पहुँचे वहाँ जो बाईस मेहराबे लगी है ये बाईस मेहराबे की भी हमने शोभा देखी धाम दरवाजे की शोभा देखी अंदर प्रवेश किए अट्ठाईस स्तंभ के चौक को पास किए आगे हमने चार चौरस सवेली पहली चौरस सवेली में पहली चौरस चो, हवेली रसोई की अवेली को छोड़कर और तीन चौरस हवेली को छोड़कर हम पाँचवीं गोल अवेली मूल मिलावे में पहुँचे मूल मिलावे में मध्य में एक हजार पंखुड़ी के कमल के जो फूल लगे हैं गलीचे में एक गलीचे के ऊपर कंचन रंग के रत्न जड़ी सिंहासन है सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है उसने दिव्य नूरी वस्त्र आभूषण धारण किए उस वस्त्रों में कई प्रकार की बेल फूल बुट्टों की चित्रकारी की हुई है कई प्रकार के नंगों की नक्शीकारी कई प्रकार के सोनों के तारों से जड़ी हुई जड़ावकारी भी की हुई है उसमें से कई किरणें कई तरंगे उठ रही है वो किरणें तरंगे ऊपर चंद सिंहासन को आगे और इससे आगे भी चंद्रवा को पार कर कर आसम उससे आगे नवभोम को पार कर कर आकस्मान तक उसकी किरणें जा रही है तो ऐसे अद्भुत अवलौकिक स्वरूप सिंगार को आप सुंदरसा जी अपनी आत्मिक दृष्टि से देखें यही स्वरूप का वर्णन श्री जी वहाँ भावसी राणा को अपनी हवेली में जहाँ ठहरा है वहाँ ये वर्णन कर रहे हैं और वर्णन के बाद सुंदर सा जी छः बज जाते हैं छ बजे सब सुंदर साथ मिलकर भावभीनी भाव से पूर्ण सुंदर सात श्री जी की आरती भी उतारते हैं और इतने करते करते रात पड़ जाती है सुंदर साथ की चर्चा चितवनी का ये तो सब चालू ही चालू है इसने में जहान मोहम्मद मिहिन खान और अवल खान सब ये चर्चा में आते हैं और चर्चा में सुनते सुनते एक दिन लाल दासी और उत्तम दासी ने रोज तो श्रीजी वर्णन करते थे एक दिन लालदासी और उत्तम दास जी ने खुदा ताला की सूरत का वर्णन कर दिया ठीक है परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन करते रहे तब तक तो जहान मोहम्मद को कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन दिक्कत वहाँ आई कि जब एक दिन खुदा ताला की सूरत का वर्णन कर दिए तो जहान मोहम्मद को अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई थी उसने चर्चा तो पहले बहुत सी सुनी लेकिन अंदर से अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई थी तो उसने जहान मोहम्मद ने लाल दासी और उत्तम दासी को बोला कि अरे तुम खुदा ताला की सूरत का वर्णन क्यों कर रहे हो खुदा ताला की सूरत का वर्णन करने का अधिकार किसी को नहीं है स्वयं खुद खुदा आएगा इस संसार में स्वयं खुद खुदा आएगा इस संसार में तब अपनी सूरत का वर्णन वो करेंगे ये आपको इजाज़त नहीं है आप क्यों कर रहे हो क्या आपको ये पता है खुदा ताला की सूरत कैसी है उसका स्वरूप कैसा है उसका सिंगार आभूषण कैसा है तो तब जहान मोहम्मद को अंदर से संसई बन गए भ्रांतियाँ बनने लगी तो उसने बोला कि खुदा ताला की सूरत का तुम वर्णन नहीं कर सकते तो वहाँ से जहान मोहम्मद ने सोचा कि मैं पंद्रह दिन से वर्णन सुन रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई मेरी आत्मा को अभी तक संतुष्टि नहीं हुई उसमें भी आपने खुदा ताला के वर्णन का सूरत का वर्णन कर दिया चलो मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ मेरे को यह वर्णन सुनना नहीं है मैं यहाँ पानी पीने के लिए नहीं ठहरूंगा बस मैं तो यहाँ से जाता हूँ मेरी आत्मा अभी तक निर्मल नहीं हुई तो तब उत्तम दासी ने श्री जी को बोला कि श्री जी हम ऐसा करें जहान मोहम्मद को बुला के लाए तब श्री जी ने बोला कि भाई जहान मोहम्मद को बुलाने की जरूरत नहीं है क्यों उसने मेरा वर्णन आज पंद्रह दिन से वो सुन रहा है खुदा ताला की सूरत कैसी है उसकी अमृत सूरत है गुंगराले बाल है, है? सुगंधी तेल से भिगोए हुए घुंगाले बाल है उसके स्वरूप का जो वर्णन सुंदर जी किया समय इजाजत नहीं देता है क्या करूं समय साथ नहीं देता है क्या करूं मैं सुंदर जी तो यहाँ स्वरूप का वर्णन नहीं हो पाएगा यहाँ खुदा ताला किशोर स्वरूप है गुंगराले बाल है अमृत सूरत है और इतना ही नहीं उसके नीलवट और मुखार बिंद और के नेत्र उसके अधूर श्रवण उसकी नासिका कैसी हरवटी बनी है ये सब वर्णन जो पंद्रह दिन तक में सुनने के बाद भी अंतिम जब खुदा ताला का वर्णन आया तो इमा, इमान जहान मोहम्मद का ईमान वहाँ से हट गया अंदर का ईमान टूट गया तो वो थोड़ा रूठ कर चला गया था या उत्तम दासी ने बोला कि श्री जी मैं बुला के लाऊ तो श्री जी ने क्या बोला के बुलाने की जरूरत नहीं है उसने इतने दिनों तक मेरा वर्णन सुना है परम धाम का लाहू तरश आजम का तो स्वयं अपने आप आएगा तो दूसरे दिन जहान मोहम्मद रह नहीं सकता है दूसरे दिन श्री जी की चर्चा में आया जो इतने दिन सुन लेगा वो कोई रह पाएगा क्या श्री जी के वर्णन के बिना उसके स्वरूप के वर्णन के बिना श्रृंगार के वर्णन के बिना तो आया और आने के बाद उसने बोला श्री जी बस मेरी आत्मा को निर्मल कीजिए मेरे को अभी अभी तक मेरी आत्मा क्यों निर्मल नहीं हुई और श्री जी को पूछा कि मेरे को यह वर्णन करके बताइए कि कबर से मुर्दा कैसे उठेंगे ये पूछा ने कबर से मुर्दा कैसे उठेंगे तो यहाँ श्री जी ये वर्णन शुरू कर देते हैं कि कब्र से मुर्दे कैसे उठेंगे तो पहले तो सुन्दरसाज जी इस रबत से लेते हैं कहाँ से लेते हैं ईश्क रबत से कि हमारा पहले हम सब आत्माएं दिव्य परमधाम चौथे आसमान ये नासुत मलकुत जबरुत को छोड़कर चौथे आसमान लाहुत में हम अनादिकाल से ये दिव्य लाहुत परम धाम में हम लीलाएं करती थी ये धाम धनी अक्षरातीत खुदा ताला के साथ वहाँ हमारा प्रेम का रबद हुआ प्रेम रबद के कारण इस संसार में हमारा आना हुआ अक्षर ब्रह्म जो उसके सत्ता के अंगे उसको अक्षरातीत के माहौल के अंदर इसको और आनंद की लीला देखने की इच्छा हुई और हम सब आत्माओं को ये अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा हुई तो ये खेल देखने की इच्छा के कारण हम हमारा यहाँ आना हुआ तब यहाँ आने के बाद क्या क्या लीला हुई तो बोले कि सबसे पहले हम ब्रज में आए और गोपी का के रूप में आए ब्रज में ये वाणी ये तारतम ज्ञान नहीं उतरा था ब्रज की लीला देखने के बाद हम रास में गए रास में एक रात राश्री रात्रि का महारास का रमन किया उसके बाद हम परत परम धाम में गए परत परम धाम में जाने के बाद वहाँ जाके फिर हमने यही रबद ले लिया क्योंकि कुरान में भी छः दिन का वर्णन है ठीक है कुरान में भी छः दिन का वर्णन है बताया न कि सोई शरत कुरान में लिखी 120 सौ बीस बरत चार पांच छठा दिन ये जाहिर हो वे अरस तो कुरान में भी छह दिन का वर्णन है तो तीसरे दिन में कौन आए तो के खुदा के रसूल मोहम्मद सल अलैहि वसलम आए ये संसार में उसने कुरान में कई परमधाम संबंधी साक्षियाँ लिखवाई और फिर में आऊंगा फरदारोज क्यात के समय और उसके बाद चौथे दिन में रसूल धरा कदम चौथे दिन कौन आया कौन रसूल? सदगुरु धनी देवचंद्र जी चौथे दिन में रसूल किसको कहा गया सदगुरु धनी, देवचंद्र जी को वो भी रसूल बनकर आए तो चौथे दिन में सदगुरु धनी देवचंद्र जी आए और वाणी में भी चौपाई प्रमाण देती है कि सुंदर बाई इन फेरे आए साथ सात कारण जी भेजिए धने आ, धनी आवेश दे के न्यारे ने वो ये एक खिन जी क्या बताया सुंदर भाई इन फेरे आए साथ कारण जी बेजी धनी आवेश दे के न्यारे ने वो एक खिन जी फिर भी बताया कि लिया वो बुलाई तुम रूहल्ला जो रूहे मेरी आसी को रबद किया प्यार वास्ते के हो कहलाया हक यहाँ बताया और ब्रह्म सृष्टिया ब्रजरास में सिंगार के पहले नंबर के प्रकरण में भी बताया कि ब्रह्म सृष्टिया ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्य भी नो लक्ष लिया अवल रूअल्ला पर था आखिरी सुंदर शाह जी यहाँ श्यामा जी का जो चौथा दिन बताया चौथा दिन में श्यामा जी आई तीन सौ तेरह आत्माएं भी जगी लेकिन वाणी उतरी नहीं थी इसलिए तो बताया सुंदरबाई ये देखिया दिल के दी दो माहे ब्रज रास और धाम की लेकिन जागनी की सुध नाये सुंदरबाई रास धाम की चर्चा तो की लेकिन जागनी की पहचान जागनी रास की पहचान लेकिन वही जामे बदलकर दूसरे जामे में आई ये श्यामा जी कहाँ आई दूसरे जामे में इंद्रावती के धाम दिल में वो बैठ गई तो यहाँ बताया कि पांचवें दिन की लीला हुई और पांचवें दिन की लीला में क्या क्या लीला घटित हुई तो पांचवें दिन में तो ये पूरी तारतम वाणी उतरी और तारतम वाणी पांचवें दिन में आई और बताया कि अक्षर ब्रह्म भी भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर भगवान जी आए इत जागवे के तत्पर हम भी आए इत और जासी हमारे घर या भगवान जी आए जागवे को तो भगवान जी कौन है कौन है अक्षर ब्रह्म वो भी अपनी वो भी महा जागृत अवस्था में जो नहीं देखा था ने उसको भी पता नहीं था चांदनी चौक में रोज आते थे साढ़ा सात से नौ बजे के बीच में दर्शन करके फिर वापस अपने अक्षर धाम में चले जाते थे उसको भी नहीं पता था कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेमी सब बरत सो सुदक्षर को नहीं जो किनविद केला करत निस्दिन रंग रंगमोहल में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सब अंगो जो करते आठो जाम ये पता अक्षर ब्रह्म को भी नहीं था तो दोनी को दोनों को यहाँ याद दिलाने के लिए ये पांचवें दिन की लीला में पूरी वाणी उतरी और छठे दिन की लीला हम सब सुंदर साथ ये वाणिज के माध्यम से हम सुंदर साजी जी सब जगेंगे और जगने के बाद यहाँ से अशराफिल जबराइल जो हमारे अंदर ये दोनों फरिश्ते आए हैं और ऊपर जाएंगे ऊपर विष्णु को जगाएगे विष्णु को जगाने के बाद आगे जाएगे अक्षर ब्रह्म को जगाएगे अक्षर ब्रह्म जब जागेंगे तो क्या होगे उससे पहले सुंदर जी ये शरीर एक कब्र है क्या है शरीर एक कब्र है उसको मुर्दा क्या कहा गया क्या कहा गया, गया क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड शरीर और ब्रह्मांड पिंड मतलब शरीर ब्रह्मांड मतलब ये संसार पिंड और ब्रह्मांड ये दोनों कब्र है उसके अंदर जीव आया हमारा अंतस्करण है मन बुद्धि अहंकार ये जीव का दिल है ठीक है उसके अंदर एक जीव आया जीव बहुत जन्मों से बार बार अनेक योनियों में जन्मता रहा मरता रहा जन्मता ये शरीर मरा जीव नहीं जीव भी कभी भी मरता नहीं ये शरीर मरता रहा लेकिन ये जीव ने कभी भी ये ब्रह्म ज्ञान का ये तारतम ज्ञान का प्रकाश देखा नहीं था तो बार बार ये कब्र की तरह ये मुर्दे की तरह यह शरीर रहा इस बार ये तारतम ज्ञान मिला और जबराइल हमारे अंदर बैठे वो वकीलात कर रहा है और संसार की ओर हमको मोड़ने नहीं देता और किस तरफ ले जा रहा है आज आपको कहां बैठाया धनी के चरणों में और संसार के जीव अभी क्या करते होंगे क्या करते होंगे माया के कामों में डूबे होंगे आज आप कहां बैठे हो आज धाम धनी के चरणों में बैठे हो तो यहाँ बताया कि असराफी और जबराइल जो दोनों फरिश्ता है ये हमारे अंदर वकीलात तो और संसार की ओर से हमको मोड़कर धामधनी के चरणों में रखते हैं और ये जब ऊपर जाएगा तो ये कब्र रूपी शरीर से जीव को जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो ये कब्र में से ये जीव उठेगा और ये मुक्ति के स्थान को प्राप्त करेगा क्योंकि सातवें दिन में जब न्याय की लीला पिस्तक के अंदर योग माया ब्रह्मांड के अंदर होगी तो वहां हमारे जो जीव है अनेक योनियों में जो जीवों ने शरीर धारण किए हैं ये जीव की करनी के हिसाब मुजब अपनी अपनी जैसी करनी है वैसी करनी के हिसाब मुजब मरु और देवापी जो यहाँ देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर बन के आए सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी जुगल स्वरूप बैठे वैसे मिहराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा के धाम दिल के अंदर अक्षरातीत का आवेश युगल स्वरूप बैठे तो ये दोनों उसके अंदर जीव किसके बैठे थे मरु और देवापी देवचंद्र जी के अंदर देवापी और मेहराज के अंदर मरु ये दोनों जीव पहले नंबर की सत्स्वरूप की पहले नंबर की विस्त में वहां राजीव और श्यामा जी जैसा रूप धारण करेंगे स्वरूप धारण करेंगे और वहाँ सात प्रकार की जो अखंड मुक्ति का जो स्थान है सत्स्वरूप की दो केवल ब्रह्म में नहीं है सबलिक के अंदर तीन सत्स्वरूप में पहली और दूसरी और केवल ब्रह्म में नहीं है सबलिक में तीसरी चौथी और पांचवी और सबलिक के बाद अव्याकृत में छठी सातवीं और आठवीं ये आठ प्रकार की जो मुक्ति है उसमें क्या-क्या मुक्ति है तो पहली सत्स्वरूप की दो और अंतिम अव्याकृत की दो पहली दूसरी सातवीं और आठवीं ये चार मुक्ति के स्थान नए बने और बीच का जो चार तीसरी चौथी पांचवीं और छठी ये चार तो पहले अवल से थे समझ में आया ये अवल से थे लेकिन चार नहीं बनी पहली दो सत्स्वरूप की और अंतिम की दो उसमें क्या किया तो सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ है ब्रह्मात्माओं ने जिस शरीर में धारण किया जिस जो शरीर धारण किया है उस शरीर में जो जीव बैठा है ब्रह्मात्मा जिस जीव पर बैठी है वो जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्त में जाएगा ईश्वरी सृष्टि ने जो जीव का आधार लिया है वो ईश्वरी सृष्टि का जीव सत्स्वरूप की दूसरी बहिश्तमें जाएगा वो तीसरी बहिश्तमें मोहम्मद साहेब को मानने वाले जो अनुयायी लोग थे जो पांच रोज़ा को रखते पांच नियमों को रखते हुए जो अपनी शरीय तरीकत को चलाया और मोहम्मद साहेब के मानने वाले जीव तीसरी बहिश्त में जाएंगे और चौथी में जो बाके बिहारी बड़े स्वरूप को रास बिहारी कृष्ण को मानने वाले को चौथी बहिस्त में मुक्ति मिलेगी और पांचवी तो बाल मुकुंद जो बाल गोपाल को मानने वाले जीवे बाल मुकुंद के ये भक्तजनों को छठी बहिस्त के ये जीवों को छठी बहिस्त मिलेगी नहीं पांचवी बहिष्त मिलेगी छठी त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिगुण है ब्रह्मांड के अधिपति नारायण और नारायण के संकल्प से जो बने हुए त्रिगुण देव है ब्रह्मा विष्णु और महेश उसको क्या बहिष्ट मिलेगी छठे प्रकार की उसको बहिष्ट मिलेगी और वाणी में भी चौपाई बताई कि प्रकृति कहीं पैदा करे ऐसे कहीं इंड आलम ये ठोर माया ब्रह्म सबली त्रिगुण की पर आत्म बताया ने त्रिगुण की पर आत्म अव्याकृत का महाकांड और सबली का स्थूल की बहिष्ठ तो उसको मानने वाले जीवों की छठी बहिष्ठ मिलेगी और सातवीं तो ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतार जो कई संसार में आए वो तपस्वी जनों की सातवां प्रकार की बहिष्त वो जीवों की सातवां प्रकार की बहिष्त उसको मिलेगी और आठवीं तो बताया कि जो कोरे से कोरे जीव जिसने संसार में कभी भी नास्तिक रहे हो कभी भी परमात्मा की सेवा पूजा या कोई भी दूसरे अन्य की भी भगवान अवतारों की भी पूजा भक्ति नहीं की है ऐसे कोरे में कोरे जीव को भी आठवीं प्रकार की बहिस्त उसको भी मिलेगी इसलिए इंद्रावती जी ने कलश ग्रंथ में बताया धाम धनी ने कि इंद्रावती के ओंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग जो अंग सोपे को इंद्रावती को ताए प्रेमे खेलाऊ रंग सुख देऊ सुख लेव, सुख में जगाऊ साथ इंद्रावती को उपमा में में दई मेरे हाथ यहाँ आठवें प्रकार की बैस्त उसको मिलेगी <coughs> तो यहां बताया कि भावसी राणा के जो चार मुसलमान है उसमें से जहान मोहम्मद उसको ईमान नहीं आया था पक्का ईमान परिपक्व नहीं हुए थे तो यहाँ बताया कि हे जहान मोहम्मद कब्र से तब मुर्दे उठेंगे ये उसको जब ये तारतम ज्ञान के माध्यम से ये सब पता लगेगा और उसके बाद सब जीवों को करने के हिसाब मुजब ये आठ प्रकार की बहिस्त मिलेगी उसके बाद जो ईश्वरीय सृष्टि चौबीस हजार जो आत्माएं हैं वो अक्षरधाम में जगेगी और ये जो अक्षर के मन के संकल्प से पैदा हुई थी और उसके बाद उसके मूल तन नहीं है अक्षरधाम में ठीक है और उसके बाद परमधाम में दिव्य रंग माहौल में मूल मिलावे में मूल तन में बारह हजार ब्रह्मात्माए जगेगी तो उसको कहा गया है कब्र से मुर्दे उठेंगे हैं जहान मोहम्मदों को कितनी लंबी बात बताई धाम धनी ने अभी किसको बताई अभी किसको बताई हम सबको बोलिए सी प्राण ना ये जहान मोहम्मद की कहां तक सुनते रहेंगे हम चार सौ सवा तीन सौ साल की परंपरा में जहान मोहम्मद की ही सुनते आ रहे हैं हमारी कभी भी हमने सुनी क्यों भाई हमारे पर हमने लिया कभी तो जहान मोहम्मद को ये ईमान आ गया और ईमान आने के बाद सुन्दरसा जी उसने श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसको जोश भी आने लगा उसने बोला कि बस श्री जी मैं आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाऊगा इतना ही नहीं और बार बार जोश आने लगा तो जी बार बार उस पर वरद हस्त रखते हैं उसको बोलते हैं कि हे जहान मोहम्मद तुम शांत हो जाओ धनी ने आपकी आत्मदृष्टि खोल दी है क्या बोला किसकी आत्मदृष्टि अभी खोली हमारी बोली प्राणनाथ किसकी आत्मदृष्टि खोली हमारी खोली सुंदर शाह जी यहां जहान मोहम्मद जब ये एक फकीर वैरागी के चरणों में गया ये फतेह मोहम्मद को पता लगा किसको लगा अभी फतेह मोहम्मद को ये पता लगा तो फतेह मोहम्मद ने बोला कि हे जहान मोहम्मद तू तो सबका उस्ताद है तू तो सबका गुरु है और आज तू ये फकीर के चरणों में चला गया तू फकीर की मेरे को पहचान करवा क्या बोला तू किस हिसाब से किस कारण से और तेरे को ऐसे कैसे ईमान आ गया कि तू फकीर के चरणों में चला गया तू मेरे को उसकी पहचान करवा दे इतना नहीं मेरे पास चालीस हदीसा रहती है कितनी चालीस हदीसा ये हदीसों के माध्यम से भी तू मेरे को ये पहचान करवा दे तो तब जहान मोहम्मद ने बोला फ़तेह मोहम्मद मेरे को ये चालीस हदीसा दे दो कोई बात नहीं ये चालीस हदीसा जहान मोहम्मद को फतेह मोहम्मद ने दे दी फतेह मोहम्मद ने जब दे दी तो जहान मोहम्मद ये हदीसा लेकर शिजी जी के पास गया वो श्री जी को बोला कि श्री जी ये चालीस हदीसा खुलवा दो ने मेरे को मतलब उसका स्पष्टीकरण करवा दो ने तब श्री जी ने बोला अरे जहान मोहम्मद तूने अभी पंद्रह मिनट चर्चा सुनी अभी तू मेरे से चालीस अदीसा खुलवा रहे हैं क्या बोला अभी तूने कितनी मिनट सुनी और तू मेरे से ये चालीस अदीसा खुलवा रहे हैं इतने दिनों से चर्चा सुनते आ रहे हो और आपको तारतम ज्ञान की पहचान नहीं हुई है तो यहां मेरे को चर्चा करवा रहे हो क्या बोल रहे धाम धनी तब श्री जी ने बोला कि हे जहान मोहम्मद उसका स्पष्टीकरण तो स्वयं कर फिर चालीस सदी का स्पष्टीकरण जहान मोहम्मद ने खुद ने अपने आप किया उसकी आत्मदृष्टि तो खुल गई थी उसके बाद उसने दे दिया किसको फतेह मोहम्मद को दे दिया कि ले तेरे को जो हदीसों का स्पष्टीकरण करना था ने ले तेरे को मैंने ये खोल के दे दिया उसके सामने स्पष्टीकरण कर दिया फिर उसने जहान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद को पूछा कि फतेह मोहम्मद उसमें तेरे को कोई शंका है क्या कोई संशय है एक किसकी बात है हमारी कितने दिनों से सुनते हम चौबीस दिन हुए आज और कोई शंका है क्या इस बातों में किसको बता रहे भाई ये सब कहानी अपनी है ये सब भी तक अपनी है कोई दूसरे की भी तक नहीं है यहां बोला कि तेरे को कोई और संशय है क्या तू परमधाम से आया है उसमें कोई संशय है नहीं तो तेरा जीव अखंड में जाएगा उसमें कोई संशय नहीं तेरा घर मूल मिल अब दिव्य परमधाम है उसमें कोई संशय नहीं तू परम धाम में अक्षरातीत की अर्धांगिनी तू आत्मा है आनंद स्वरूपा क्या उसमें कोई प्रश्न है नहीं किसको बोल रहे धाम धनी हम सबको ठीक है तो यहाँ फतेह मोहम्मद को बोला कि जहान मोहम्मद ने के उसमें कोई संशय है तो बोले नहीं कोई संशय है तो और बोला जहान मोहम्मद के तो मोहम्मद, खुदा ताला की सूरत का वर्णन कुरान के में सिपारे में है तो उसमें तेरे को स्वीकार है क्या उसमें तेरे अंदर कोई संशय बने हैं तो बोले कि हाँ उसमें में सिपारे में खुदा ताला की सूरत का वर्णन तो है लेकिन खुदा के सिवा या उसके अंदर भी ये संशय उठे के खुदा के सिवा ये कोई खुदा की सूरत का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीयत इजाजत नहीं देती और इतना ही नहीं हमारे लिए तो शरीयत ही सर्वोपरि है हमारे लिए तो शरीयत ही सर्वोपरि है मेरे को पता है कि खुदा ताला की सूरत का वर्णन में सिपारे में है इतना नहीं मेरे को यह भी पता है कौन बोल रहे है ये फतेह मोहम्मद किसको बता रहे है? जहान मोहम्मद को क्या हाँ मेरे को इस बात में कोई संशय नहीं है मैंने कुरान में पढ़ा है कि रसूल मोहम्मद को म्यारा जुआ तो चौथे आसमान से आजम जब पहुँचे लाहौत में तब वहाँ जाके आ, ये जमुना जी के इस पार रह गए और वहाँ से बोला कि नूर तजल्ला की तजली जलावत मेरे पर मैं आगे नहीं चल पा रहा हूँ और बोला कि नहीं तू और आगे आ जा तो इश्क के रफ रफ के तखत आए और मोहम्मद साहब की सूरत को लेकर मूल मिलावे में दरगाह तक लेके गए और वहाँ रूब रूब सामने बैठ कर कितनी दूरी रही तो बताया कि गोसे की जो कमान की दो एक बाण की दो बीच की दूरी रहती है कमान के बीच की जो दूरी रहती इतनी दूरी पर आ, आ, बस सामने बैठकर कर नब्बे हजार हरफ स्वयं खुदा ताला के मुख से मोहम्मद साहब ने सुना इतना ही नहीं मेरे को यह भी पता है मैंने रूह की आंखों से देखा भी है लेकिन शरीय इजाजत एक किसकी बात है हमारी हम भी कितने सालों से राज्य का स्वरूप का श्रृंगार का सागर ग्रंथ के माध्यम से सिंगार ग्रंथ के माध्यम से सुनते आ रहे लेकिन हम हमको अभी भी विश्वास नहीं हम कई बार बोलते क्या राज्य का स्वरूप किसी ने देखा हम क्या बोलते राज्य का स्वरूप किसी ने देखा ये सब ध्यान 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 की बातें करते हैं क्या ध्यान है हम तो चलते फिरते भी ध्यान कर लेते राज्य का स्वरूप अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है कोई ऐसा है पूरा दिन ध्यान में बैठे रहते हो कभी भी चर्चा में ही नहीं आते हो ये क्या बात बताई अभी तो यहां सुंदर सा किसको बता रहे ध्यान करने की जरूरत तो नहीं है ठीक है हमको पता तो है कि ध्यान से ही राज्य मिलेंगे लेकिन ध्यान करने के बैठने की हमारे अंदर इच्छा नहीं हो रही हाँ सेवा पूजा करने के लिए हम आधे घंटे निकाल दें वाणी एक घंटे पढ़ लें और भी काम करना तो चर्चा भी सुन लें इतना भी नहीं कई कार्यक्रम भंडारे भी अटेंड कर ले वो भी चर्चा सुने लेकिन 20 मिनट एकाग्र हो बैठना हमारे लिए सहनीय नहीं है किसको बता रहे हम सबको बता रहे सुंदर साध जी तो यहां उसने स्वीकार नहीं किया और आगे जब स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद क्या लीला घटित तो होती है उसने स्वीकार जब नहीं किया तो उसके आगे हाँ दोनों के बीच में थोड़े झगड़े भी हो जाते हैं कि भाई तू शरीयत को मान रहा है उसको मान नहीं रहा है खुदा ताला के स्वरूप को मान नहीं रहा है तो उस टाइम पे सुंदर साजी सीजी भी समझा रहे और वहाँ दोनों के बीच में थोड़ी दूरी भी बनने लगी उसने अपने वहाँ जाके फतेह मोहम्मद ने अपने सैनिकों के बीच में जाके अपने सिपाह के बीच में जाके उसको भड़काया कि चलो ये लोग जो आए हैं ने उसमें हमारा जो उस्ताद गुरु है ने कौन जहान मोहम्मद उसने भी एक वैरागी एक फकीर के चरणों में चला गया देखो ये कैसा चमत्कार करते हैं हमारे कई पठान लोग उसके अंदर जा रहे उसके संप्रदाय में इन्वॉल्व हो रहे शामिल हो रहे तो चलो फितना उठाना है क्या उठाना है फितना उठाना है स्वर मचाना है तो ये वहां जाके फतेह मोहम्मद ने फितना उठाना शुरू कर दिया और बीच में एक घटना और घटती है कि भावसी राणा का लेकिन उससे पहले एक और फिर एक बार शोर उठाता है ये बाद में भावसी राणा का धामगमन होता लेकिन इससे पहले भी एक बार वो फितना उठाता है वो कई दस बार पठानों को लेकर आता है श्री जी तहा चर्चा करते होंगे उस टाइम पे कैसे चर्चा करते हैं जब एक पीतल की दो वहाँ दिए जल रहे हैं दोनों ओर कब तभी इलेक्ट्रिशियन कोई सुविधा नहीं थी तो वहाँ पीतल की जो एक दो डिबेट है उसमें दिए जल रहे हैं। वहाँ बहुत से सुंदर साथ की भीड़ भी लगी है बहुत से सुंदर साथ बैठे है रेबल पे तफसर उसनी हदीसा ये भी पधराया है और श्रद्धा भाव से ये पढ़ी भी जा रही है और पढ़ते पढ़ते जब चर्चा श्री जी करते जा रहे और पढ़ते भी जा रहे हैं वहाँ लाल सब और इस टाइम पे वो अपने दस महार पठानों को लेकर आते हैं और क्या कहते हैं कि हे वैरागी महात्मा हे फकीर तुम चंदन का तिलक भी किया है और गले में मालाएं भी पहनी है और आप हमारे कुरान को पढ़ रहे हो क्या कुरान पढ़ने को आपको इजाजत नहीं है ये हमारी कुरान आपको हिंदू बनकर वैरागी बनकर हिंदू वैरागी बनकर आप हमारा कुरान पढ़ रहे हो तो ये हमारी कुरान इजाज़त नहीं देती है ये कुरान हमारा है वो जो आप छू आप छू लेंगे तो ये नापाक हो जाएगी क्या हो जाएगी ये लोग हिंदुओं को क्या मानते थे काफिर क्या मानते थे मुस्लिम लोग कि हमारी कुरान नापाक हो जाएगी तो ऐसा शोर मचाते हैं शोर मचाते मचाते और कोई अंदर बोलते हैं और बात कि भाई ये मोहम्मद साहब हमारे कुरान लाए हैं तो श्री जी ने मोहम्मद साहब की जब बात सुनी तो अंदर से और जोश आया श्री जी ने बोला कि भाई पठान लोग तुम मोहम्मद और मेरे बीच में तुम अंतर मान रहे हो मतलब भेद मान रहे हो नहीं 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 मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई भेद नहीं है मैं तो और पठानों को और सैयदों को और मुस्लिमों को मोहम्मद के साथ जोड़ने का काम करता हूँ इतना बोला ने फिर जहान मोहम्मद बोले फतेह मोहम्मद को कि भाई तू क्यों फितना उठा रहा है तो यहाँ से चले जा उसके अंदर जोश आया वहाँ गाजी खान बैठा था उसके अंदर जोश दौलत खान पठान बैठा था उसके अंदर जोश आया तो वहाँ से ये फतेह मोहम्मद चला गया चलने के बाद उसके अंदर और विचार आया कि भाई ये लोग तो हमारे पठान लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे कहीं चमत्कार कर रहे हैं और हमारे बहुत से पठान ये फकीर लोग के साथ जुड़ रहे तो चलो मैं और नुस्खा एक और ड्रामा और एक नाटक करूँ तो इस टाइम पे भावसी राणा का धामगमन हो जाता है क्या हो जाता है भावसी राणा का भी गमन हो जाता है उसने श्री जी के पास परमधाम देखने की इच्छा की लेकिन अब अभी उसके अंदर वो चर्चा तो सुन रहा था लेकिन उसके अंदर अभी ये अवस्था नहीं बनी थी ये स्तर नहीं बना था जो धीरे धीरे सुनते रहते हो तो आगे उसकी अवस्था बन जाती और परमधाम का भी दीदार कर सकते और तन भी नहीं छूटता लेकिन उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी क्या कर दी जल्दबाजी कर दी तो जी एक दिन वर्णन करते करते उसने थोड़ी परमधाम की हद ब्रह्मांड छोड़ा अक्षरधाम का वो अंकुर था कहाँ का वो ईश्वरी सृष्टि थी अक्षरधाम का लेकिन उसने परमधाम देखने की जिद की तो श्रीजिन एक दिन परमधाम की परमधाम का वर्णन कर दिया तो वो सहन नहीं कर पाए और अंकुर था इतना सुख लिया और अपना तन छोड़ दिया यहाँ फिर वो फितना उठाना चाहते सुंदर सा जी कौन फिर शोर मचाना चाहते फतेह मोहम्मद क्योंकि जब भावसी राणा का धाम गमन हो गया तो उस सिंहासन पर कौन बैठा किसको बैठाया गया फतेह मोहम्मद ने सिंहासन को कब्जा कर लिया बैठाया तो नहीं गया लेकिन उसने कब्जा कर लिया कब्जा करने के बाद और ये फितना उठाते हैं क्या फितना उठाते हैं कि अब मैं ये वैरागी को और परेशान करूं और वो लूटने का भी प्रयास करते हैं तो औरंगाबाद में ही जब जी फतेह अल्लाह के मोहल्ले के पास एक मुल्ला के घर पे आ, कुरान की टीका करवा रहे मुल्ला के पास वहाँ तीन दिन से टीका हो रही कितने दिनों से तीन दिनों से टीका हो रही है वहाँ फतेह मोहम्मद अपने सिपाहियों को सेवकों को बोल दिया कि जाओ ये वैरागी या फकीर लोगों को पकड़ लो तो उसने पूरा ही औरंगाबाद में शोर मचा के रखा है वो पकड़ने के लिए इधर उधर कहीं वो वहाँ और वहाँ जा रहे हैं श्री जी और सुंदर साथ वहाँ है लालदास जी है उत्तम दास है और साथ भी श्री जी के साथ है लेकिन उसको पता नहीं है कि ये फतू अल्लाह का मोहला है तो यहाँ क्या घटना घटित हुई वो लोग तो वैरागी लोगों को गोते, खोजते खोजते कहाँ पहुँचे भड़कल दरवाजे पहुँच गए भड़कल दरवाजे से उसको एक सूचना मिली कि भाई यहाँ से ये वैरागी और फकीर लोग तो निकल गए हैं तो तुम ये तो फालतू उसकी खोज में लगे हो तुम अपने शांति से घर में बैठ जाओ लेकिन यहाँ जहान मोहम्मद को कोई कारणवश फतू अल्लाह के मोहल्ले में जाना हुआ तो वहाँ कोई सुंदर साथ को टहलते हुए उसने देख लिया तो उसने पूछा कि सुंदर साथ को कि अरे भाई तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो यह तो किसका मोहल्ला है यह तो फतू अल्लाह का मोहल्ला है तुम जल्दी से यहाँ से निकलो तो उसने बोला कि भाई यहाँ श्री जी भी है यहाँ श्री जी मुल्ला के घर पे कुरान की टीका करवा रहे मुल्ला के माध्यम से तो अरे तो तो जल्दी से बोला कि मेरे को जल्दी से श्री जी को मिलना है मेरे को जल्दी से श्री जी को मिलना है तो श्री जी के पास मेरे को ले चल तो सुंदर साथ जी श्री जी के पास लेके चले और वहाँ जाके जहान मोहम्मद ने श्री जी को बोला कि श्री जी ये तो फतूल्ला का मोहला है तुम जल्दी से यहाँ निकलो ये कुरान की टीका का सब काम अभी उत्तम दासी को दे दिया उत्तम दासी को बोला कि तुम ये संभाल के रखो चलो यहाँ से जल्दी से निकलना है यहाँ से श्री जी रात सूर्यास्त होने के बाद भी रात शुरू हो गई थी तो वहाँ रात की शुरुआत शुरू शुरू में ही यहाँ से सुंदर साथ और श्री जी जो जो बाकी थे वो वहाँ से जल्दी से निकल गए और वो लोग तो वहाँ खोजते रहे खोजते खोदते वहाँ पहुँचे था तो वहाँ सात कोस वो दूर चले गए थे और रास्ते में भीमसेन उसको मिलते हैं कौन मिलते हैं भीमसेन मिलते हैं और भीमसेन श्री जी श्री जी सब हकीकत उसको बताते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसी लीलाएँ हुई और भीमसेन को श्री जी फिर कुरान के विषय में बताते हैं और मलुपचंद को भी अजमेर से भी भेजा गया था और इतना ही नहीं यहाँ भीमसेन को बोलते कि जाओ तुम चारों जो औरंगाबाद चलो हम आकोट के सुकरान में आटो आक बुढ़ानपुर में पहुंच गए लेकिन पहले आकोट का शुकराना बताएंगे फिर बाद में हम बुढ़ानपुर जाएंगे लेकिन आकोट का शुकराना उसमें बहुत धामधनी ने जो धामधनी को जो धन्यवाद देने की बात श्री लालदा सीमा के धाम दिल में बैठकर धामधनी ने स्वयं ने लिखी है और उसका ही शुक्रिया उसका ही शुकराना धन्यवाद है लेकिन आज हम वो चर्चा नहीं ले पाएंगे तो ये हम कल लेंगे धामधनी के हुक्म से हम तो भी कल कर देंगे ये धामधनी परम छोड़ देंगे लेकिन यहाँ हम छ बज गए चौपाई दोहराए बोलिए श्री प्राणनाथ महामती कहे ये मोमिनो औरंगाबाद की बीता का अब आकोट की कहो जो भी तक है बुजरा का जो भी तक है बुजरा का बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज प्रणाम